माथे का मतलब ये है कि दूसरे में गुण है आप उसमें दोष दिखा रहे हैं, नहीं गुण को भी आप दोष के रूप में देख रहे हैं। कह रहे हैं कि ये अरिष्ट वर्ग है, इनके वशीभूत होकर के इंसान गलत करना चाहता है, राज्य का ये काम है। ये कह रहा है स्टेट इसमें जरूर, पहले तो शिक्षा से ठीक करो, शिक्षा से अगर ठीक हो गया बहुत ठीक है, फिर तो कई बार शिक्षक भी गड़बड़ होता ही नहीं। मैं कहता हूं अपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कि अगर जीएस कैश न होता तो यहाँ के प्रोफेसर बदमाशी कर रहे, मात्र भय के कारण वो ठीक है कि नहीं। सबकी बात आप मत करिए, क्यों दुखी हो रहे हैं? मैं कहता हूं कि कर्ण ऋषि के यहाँ पुत्री शकुंतला पढ़ी बढ़ी और दुष्यंत आए तो उनको वो शादी के लिए मिल गई। आज के गुरु के यहाँ जो होती है, अगर बाबा राम रहीम की तरह के गुरु के यहाँ, गुरु ही थे ना, शिक्षा ही दे रहे थे, तो बड़ा गुरु हूँ, तुम तो यूनिवर्सिटी में मास्टर हो, वेतन मिलता है, उसके पीछे तुम उनके चलना टीचिंग कर लेते हो, वहां इसकी गुंजाइश नहीं थी। वहां ये था कि आपको धर्म और आस्तिकता ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। मैंने यू नो व्हाट आई एम डूइंग, यही हमारे भारत के निर्माण का सबसे बड़ा कारण था कि जिसका जो कर्म है वो कर्म ऑनेस्टी के साथ करे, जिसका जो धर्म है, धर्म ने स्वभाव ही मान लीजिए, धर्म ने कर्म मान लीजिए, वो ऑनेस्टी के साथ करे, यही सबसे बड़ा हमारा मैसेज था। और उसी में न जाने कितनी विद्याओं का विकास हुआ, यहाँ साइंस के भी होंगे अध्यापक जैसे मुझे बताए गए थे, संख्या मैंने दो दो साइंस बेसिक साइंसेज हैं जहां तक मैंने समझा है, एक मैथमेटिक्स और दूसरा लिंग्विस्टिक्स। मैथमेटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स दीज आर बेसिक साइंस, बाकी तो उन्हीं का विकास है, उसमें फिजिक्स भी आ जाएगी, लाइफ साइंस भी आ जाएगी, सारी बात। इन दोनों साइंसेस का हमारे यहाँ चरम है, चरम मैं कह रहा हूँ। ये फिर मैं एक कोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ तो आपको नहीं मानेंगे। एक तो डॉक्टर साहब थे वो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, आपको पैदिक सर्जन है, एम्स में थे, आजकल उसके डॉक्टर हैं हॉस्पिटल। मैं अपनी माता जी को दिखाने के लिए ले गया, बातचीत हुई संस्कृत का जाने, तो कहे कि अच्छा आप संस्कृत के हैं, मैंने कहा मैं संस्कृत का हूँ। सोचे कि डर जाएंगे कुछ और पीछे बता देंगे, मैंने कहा नहीं मैं संस्कृत का हूँ, संस्कृत पढ़ता भी हूँ पढ़ाता भी हूँ। तो कहे कि अरे बड़ा अच्छा हुआ आपसे बात हो गई, एक मेरे विदेशी मित्र ने मुझे अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने के लिए रिकमेंड किया, सो आई वांट टू रीड दैट बुक। मैंने कहा भला हो इस विदेशी मित्र का जिसने आपको रिकमेंड कर दिया, मैं कहता तो आप नहीं पढ़ते। इट इज इंडियन माइंड सेट। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम बहुत दिन गुलाम रहे और दस्त से जो ज्ञान आता है उसी को हम ज्ञान समझते हैं, जो भारतीय ज्ञान है उस ज्ञान को हम ज्ञान ही नहीं समझते। मैं आपको विज्ञान शाकुंतलम की ज्योति बता रहा हूँ। ये तो अलग है, एक आप लोगों ने सुना होगा फिलासफी में होंगे तो सब दया कृष्ण बड़े आचार्य माने जाते हैं, वेस्टर्न फिलासफी के, इंडियन फिलासफी के नहीं है आचार्य। ही वॉज कंसिडर्ड बेस्ट स्कॉलर एमंग ऑल इंडियन स्कॉलर्स हु स्टडी वेस्टर्न फिलासफी। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप जब बाहर कहीं जाते हो अमेरिका यूरोप या किसी अदर कंट्री में तो आपसे कोई वेस्टर्न फिलासफी पूछता है कि आप बताओ हमें? मैंने कहा मेरा अनुभव यह है कि जब आप जाते होगे तो आपसे इंडियन फिलासफी के बारे में पूछते होंगे, कहते होंगे गीता के बारे में बताओ। क्या अभिज्ञान शाकुंतलम की बात मुझसे कर रहे थे, कहे कि उसमें क्या है, उसमें अनाग्राहकम पुष्पम कृष्णे मनोन्नम कर भाई, ऐसी ऐसी शाकुंतला है जिसको अभी ऐसा पुष्प है जिसको अभी नाथ गुरु से तोड़ा नहीं गया है।
किस लगे है जिसको अभी पूरा नहीं किया है, वो कह ये भी कोई हुआ, मैंने कहा वो कभी क्या कर रहा है। उसके दो रूप हैं, जब एक युवा युवती को देखता है तो उसके मन में इसी तरह के भाव आते हैं, वो नाट्य है, वो लोक का लोक नृत्य का वो अनुकरण है, लोक नृत्य की व्याख्या वो करता है। किंतु जब उससे पूछोगे कालिदास ने क्या कहा, आपने आगे तो पढ़ा नहीं, वहीं आप अटक गए उतने पर भी। कालिदास की जो दृष्टि है अगर आप उस पर जब जाओगे तो वो कहता है कि सरसी मन एकदम शैवलेन अभिरम, या उससे भी अच्छा कहता है चित्ते निवेश से परिकल्पित सत्य होगा। जब ब्रह्मा इसको बनाने बैठता है तो सत्व रजस तमस सब लोग सुने होंगे, सात्विक भाव जब आपकी बुद्धि प्योर है, राजसी जब आप क्रिया में एक्टिव हो रहे हैं, कुछ कुछ जो है खान पान के कारण कुछ हो जाती है, तामसी मन जब आप विमोह में अज्ञान में गलत कर बैठते हैं वो तामसिक वृत्ति। तो कहा जब ब्रह्मा इसको बनाने बैठा है तो उसने सत्व गुण का अपने अंदर आविष्कार किया, उसका प्राधान्य बनाया और तब इसका निर्माण किया। रूपो चैन विधिना विहिता के सामने इनका दूसरा, जब वह शकुंतला दुष्यंत के द्वारा प्रत्याख्यात है, मैंने ही रिफ्यूज टू मैरी है, पहले उसके साथ रहता है, देन ही रिफ्यूज टू मैरी है, एंड ही वॉज ए किंग प्रोमिनेंट किंग एट दैट टाइम, तो बड़ा महत्वपूर्ण राजा था, जिसकी युद्ध करने वो इंद्रुद्र की मदद करने जाता, मैंने आज का अमेरिका की मदद करने जाता था या और कोई देश रहा होगा जिसकी मदद करने जाता, चक्रवर्ती सम्राट था ये, ऋषि की पुत्री पालिका पुत्री थी कर्ण की पुत्री, तो उसमें शिक्षा दीक्षा हुई थी उसकी। किंतु जब वो प्रत्याख्यान करता है, मना करता है, उस समय जो डाक फटकार उसने लगवाई है कालिदास ने, कला ने लगाई है, ये तो एक अलग पक्ष है, किंतु कालिदास जो जिसका वर्णन कर रहा है वास्तव में कालिदास के मन में है ना, वो डाटर मन कवि की जो सृष्टि है वो अपने आप में एक नई सृष्टि होती है, जिसमें इस विधाता या नियंता या नियति जो है उसका कंट्रोल नहीं होता है, इट इज बियॉन्ड कंट्रोल। उस सृष्टि में वो कहता है कि नहीं, अनाज आत्मो हृदय आत्मा पश्चिम, तुम्हारा जैसा हृदय है क्रिकेट, उसने कह दिया ना थोड़ा गलत बोल दिया दुष्यंत, पता नहीं उसको अंगूठी का प्रभाव का क्या था, उसने कहा कि सुनो बहुत हो गया तुम्हारा, मैंने देखा है स्त्रियां जो पढ़ी लिखी नहीं है वो तो मैंने क्लेवर होती हैं, क्लेवरनेस उनमें होती है, तुम तो पढ़ी लिखी हो, इन्होंने आप इतना उदाहरण दे दिया, कहा कि कोयल जो है अपने बच्चे को कौवे से बलवाती, कालिदास ने लिखा है आज पता नहीं साइंटिफिकली प्रूव है कि नहीं मैं नहीं जानता, बट उसने लिखा है कि अन्य विजयी परमृता की रिपोर्ट है, लोग कहते हैं कि अभी भी सत्य है, जो जो साइंटिस्ट है जो कुछ पक्षियों पर अध्ययन करते हैं उनका यही मानना। तो कहा कि वो तो दूसरे से बनवा लेती है, इसका मतलब वो चालाक है और आप चालाकी कर रहे हो, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। तो कहा कि अच्छा शकुंतला क्या बोलती है, इवन ही वाज़ द किंग, कहती है अनार्य अनार्य कहती है, जबकि जान रही थी मेरा पति है, वो ठीक से समझ रहे, पर कहा अनार्य आत्मनो हृदय आने वाले नुमा पश्चिश, जैसे तुम हो जैसा तुम्हारा हृदय है उसी हृदय से मेरे मेरे पर भी तुम आरोप कर रहे हो, मेरे मेरे मुझे भी उसी रूप में देखना चाह रहे हो। कहा कि मुख मधुर हृदय सिद्ध विष से, तुम्हारे हृदय में तो विष है और मुख में मधु था, मीठा मीठा बोल करके मुझे घुसला रहे थे, मुख मधो मुखम मुखे मधु यशम भूत मुख मधो हृदय स्थित विषय से, जिसके हृदय में विष स्थित है, ऐसे तृण छंद से तृण, जैसे हाथी को पकड़ने का आपको सुने होंगे, जब पकड़ना चाहता है कोई तो गड्ढा खुलवाते हैं, ऐसे तो हाथी पकड़ नहीं सकते, गड्ढा खुलवाते हैं और उसको तिनके से ढकवा देते हैं, तो कुआं बन गया जो जिसके ऊपर तिनका वो है ढका हुआ है और उसमें जा करके गिर जाते। तो कहा दृढ़ तुम तो ऐसे तिनके के समान हो जिसको तिनके से ढका गया है, ऐसे तुम्हारी अनुकृति को तुम्हारे रूप को तुम्हारे पक्ष को कौन स्वीकार करेगा, कई दिन तो अनुकृति दिन पर चलते
इतनी बड़ी बात जो हम ये कहते हैं कि नहीं प्रजातंत्र, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कहीं हो सकती है? आज वो आज तो बनवा देंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है अमर मणि जो जेल भोग रहा है वो अमर मणि त्रिपाठी हत्या करवा देंगे। अच्छा दूसरा इसका एक पक्ष और सबसे बड़ा है, ये इससे भी बड़ा पक्ष है वो मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी आचार्य परंपरा का अंग है। जब उसका निश्चित हो गया, घर वालों ने भी कह दिया कि आपने खुद निर्णय किया था, आप जाने जो आश्रम से शिष्य आए थे या जो सखी आए थे उन्होंने कह दिया कि नाउ इट इज अप टू यू व्हाट यू आर यू वांट टू डू। उस समय वो असहाय है, मैं कर्ण की पुत्री है, मैं दुष्यंत की पत्नी है, ठीक है, एक सामान्य महिला है और उसकी पूरी की पूरी सोशल सिक्योरिटी है, एक खरोच तक नहीं लगती है, बढ़िया आश्रम में मरीज के आश्रम में पल रही है, पुत्र को जन्म दे रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा के केंद्र थे वो मात्र, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो शिक्षा के केंद्र थे मात्र को ज्ञान को सूखा पढ़ा देना पढ़ लेना तक सीमित नहीं थे, वो ऐसे भी थे कि समाज में अगर कोई विसंगति है, समाज में अगर कोई कमी है, समाज की अगर कुछ हमें समाज को ठीक करना है उस दिशा, हाँ ठीक जैसे आप लोगों ने अगर क्लास भी होंगे कोई तो ससुर का नाम सुना होगा, ये ज्यादातर लोग जो जागरूक होते हैं सुनते हैं, सिग्निफाइड और सिग्निफायर की बात करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं बड़े प्रेम से पढ़ते हैं। भारत में वाक्यपदीय में भर्तृहरि में हम कैसे बोलते हैं वो पहले भी आ चुका है, वाणी के अष्टाध्यायी में भी आ चुका है, और उसके बाद जो ग्रंथकार हुए या और जो परंपरा आगे बढ़ी उन्होंने एक एक माइन्यूट जो भी ऑब्जर्वेशन हो सकता था, लिंग्विस्टिक साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब हम बोल रहे होते हैं तो उसके पीछे हमारी जो मानसिक प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया कैसी होती है, कहाँ से आत्मा बुद्धि चेतन कॉन्शियसनेस